हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ और पर्यायवाची शब्द। जानेंगे मक्खन, मनुष्य, महादेव तथा माता के पर्यायवाची शब्द। तो देख लीजिए, मक्खन के पर्यायवाची शब्द है माखन, लौनी, नवनीत तथा दधीशार। मनुष्य के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है मानव, नर, जन, आदमी, मानुष तथा मनुज। महादेव के पर्यायवाची शब्द है शिव, शंकर, शंभु, त्रिनेत्र, हर, नीलकंठ तथा पशुपति। इसी प्रकार माता के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए जननी, मात, माँ, अम्बा, प्रसू, अम्ब तथा जन्मदायिनी। तो ये थे आज के कुछ पर्यायवाची शब्द। मिलते हैं इसी क्रम में कुछ और पर्यायवाची शब्दों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंदी साहित्य टीवी के साथ। धन्यवाद।